से बताओ। आवारा कुत्तों को सोसाइटी से बाहर निकालने के मुद्दे पर महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई का ये वीडियो गाजियाबाद की रिवर हाइट सोसाइटी का है। बवाल तब हुआ जब RWA ने सोसाइटी से आवारा कुत्तों को निकालने का अभियान चलाया। इसे लेकर सोसाइटी में दो समूहों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। पूनम कश्यप का आरोप है कि जब उन्होंने कुत्तों को सोसाइटी से बाहर निकालने का विरोध किया तो RWA के प्रेसिडेंट ने महिलाओं को बुलाकर उनकी पिटाई करवा दी। 11:30 बजे मेरे पास कॉल आता है कि यहाँ पे ना कुत्तों को हटा रहे हैं, मार रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके गई, मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई तो उन लोगों ने मुझे देख लिया। फिर मैं जा नहीं पा रही थी वहाँ पे। फिर मेरे पास सुरभी रावत जो है SPFA की मैम, उनका फोन आया मेरे पास। तो मैडम कहती पूनम एक बार तुम देख कर आओ क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं मैडम मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, आप आ जाओ मैं आपके साथ जाऊंगी। तो मैडम भी वहां पर आई और मैं और मैडम वहां पे गए। वहां पे सुबोध त्यागी है, उसने सारी लेडीजों को इकट्ठा कर लिया। सुबोध त्यागी ने सारी लेडीजों को ये बोला कि ये डॉग लवर है, ये कुत्तों को खाना खिलाती है, सोसाइटी का माहौल खराब कर रखा है, ये कुत्तों से बच्चों से कुत्तों को कटवाती है, इसको मारो इसको मारो। बाबर वो ये शब्द बोल रहा था। वो जो महिला पिटती हुई नजर आ रही है वो वीडियो बाद की दिखाई जा रही है। उससे पहले उस महिला ने यहाँ सोसाइटी में काफी दफे उन महिला कॉमन एरिया में खाना खिलाती है। यहाँ स्ट्रिक डॉग, यहाँ कम से कम यहाँ 60-70 स्ट्रिक डॉग हो रहे हैं, जो सोसाइटी के कम से कम 100 से ज्यादा निवासी काट खाए। सभी लोगों में दहशत बनी हुई है, ना हमारी सीनियर सिटीजन महिला उतर पाती, ना मंदिर जा पाते, ना कॉमन एरिया में घूम पाते, ना हमारे कोई भी पार्क में बैठ पा रहे। यहाँ इतना बुरा दहशत का माहौल है कि कोई बच्चा कोई महिला नीचे नहीं उतर सकती। आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली NCR में मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। अब गाजियाबाद में महिलाओं के बीच हुई मारपीट की शिकायत भी पुलिस के पास पहुंची है। रिवर हाइट सोसाइटी के एक प्रकरण सामने आया जिसमें कि कुत्तों को लेकर दो पक्षों में हाथापाई और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त संदर्भ में दोनों पक्षों की अपनी एक लिखित शिकायत थाना नंदग्राम में दी है। शिकायत की जांच की जा रही है, तत्पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं, तभी से हर जगह इसे लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। इसी वजह से अब आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस भी बनाने की बात कही जा रही है। गाजियाबाद से पिंटू तोमर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।